कैलोरीमेट्री एक ब्रांच है, ऑप्टिक्स एक ब्रांच है, लाइट को स्टडी करता है, काइनेमेटिक्स मोशन को स्टडी करता है, फिर मैकेनिक्स जो है वो फोर्स को स्टडी कर रहा है, और थर्मोमेट्री थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजरमेंट को स्टडी कर रहा है, कैलोरीमेट्री टेम्परेचर को क्या कर रहा है, हीट को स्टडी कर रहा है. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री. तो इसमें एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सचर. तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सचर क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. और एग्जाम में लिखने को आ सकता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, डेफिनेशन में आ सकता है. वैसे इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ही आता है, न्यूमेरिकल ही आता है, पर फिर भी मैंने एक स्कूल में आता देखा है जिसमें पूछा जाता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. तो कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सपोज करो एक मिनट के लिए आपके पास वाटर है, ठीक है, आपके पास वाटर है और वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है. आपके पास एक बॉल है, स्फेयर है किसी मटेरियल का, जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है. मान लो एल्यूमिनियम है, 90 डिग्री सेल्सियस गर्म बॉल ली आपने, उठा के इसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, गर्म हो जाएगा. बॉल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. तो मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो बॉल ने अपना टेम्परेचर 90 से 30 कर लिया और पानी ने अपना टेम्परेचर 20 से 30 कर लिया, फिर दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस केस में, अगर सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं है, तो हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट गेन्ड बाय वाटर. तो पानी जो हीट गेन करेगा, एल्यूमिनियम वो हीट लॉस करेगा अगर सराउंडिंग में लॉस, तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन बोला जाता है. तो ये रूल को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं. तो यही इसमें समझा रखा है. देखो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग. तो सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट. तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है. ठीक है यहां तक?